मोदी सरकार में जल थल हो या नभ, देश की तीनों सेनाओं को सशक्त किया जा रहा है। बीते चार सालों से मोदी सरकार देश की तीनों सेनाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस कर रही है। दशकों से जिसके अभाव में देश की सेनाओं के हौसले टूट रहे थे, अब जब सेनाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, तब वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले अपाची अटैक और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। चिनूक पायलटों की ट्रेनिंग अगस्त से चल रही है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन अगले साल जुलाई में पठानकोट में बनाई जाएगी। वहीं चिनूक की चंडीगढ़ में बनने वाली पहली स्क्वाड्रन अगले साल फरवरी मार्च में तैनात होगी। भारतीय वायुसेना को कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे, जिन्हें पठानकोट और असम के जोरहट में तैनात किया जाएगा। अभी वायुसेना के पास Mi-35 और Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर है। कुल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। अभी वायुसेना के पास भारी मालवाहक के तौर पर रूस में निर्मित 4 Mi-26 है। पहाड़ों और जंगलों में आतंकवादियों और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर बेहद कारगर होते हैं। दुश्मन के बख्तरबंद टुकड़ियों से मुकाबले में भी अटैक हेलीकॉप्टर मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन वायुसेना के पास मौजूद अटैक हेलीकॉप्टर्स 3 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। अपाचे के आ जाने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होगी। अपाचे दुनिया के सबसे अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। ये रॉकेट, टैंक भेदी मिसाइलों और जमीन पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए मशीन गन से लैस होता है। इसमें 2 क्रू मेंबर होते हैं और ये हर मौसम में कारगर हमला कर सकता है। भारत अपनी पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर बना रहा है। इसे पहाड़ों पर बहुत कम समय में सैनिक और साजो सामान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर्स इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे।